सेमीफाइनल में भारत की हार के लिए पाकिस्तान के मस्जिदों में हो रही दुआएं। फुटबॉल जैसे स्कोर से क्यों डर रहा पूरा हिंदुस्तान। लगातार 9 मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में हार जाएगी टीम इंडिया। फिर से रोएंगे 140 करोड़ हिंदुस्तानी, मजाक उड़ाएंगे पाकिस्तानी। बदले की आग में धधक रहे हैं रोहित शर्मा, कोहली उड़ाएंगे न्यूजीलैंड की धज्जियां। घायल शेर की तरह मैदान में उतरेंगे केन विलियम्सन। एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की जंग में जीत हासिल करने के लिए पूजा पाठ करी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सभी मस्जिदों में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की बर्बादी के लिए दुआएं करी जा रही हैं। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से जलील होकर शर्मनाक तरीके से हार कर वापस पाकिस्तान जा चुकी है, मगर पाकिस्तानी आवाम न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की जंग में भारतीय टीम को बर्बाद होना देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तान के सभी यूट्यूबर न्यूजीलैंड को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए तो भारत को भी वर्ल्ड कप नहीं जीतने देंगे। पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों भाई मिलकर अभी से ही सेमीफाइनल की जंग में न्यूजीलैंड को विजेता घोषित कर दिए हैं। लगातार 9 मैच जीतने के बाद भी सेमीफाइनल की जंग से पहले पता नहीं क्यों हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सांसें अटकी हुई है। ऊपर से सामने न्यूजीलैंड की टीम है जिसके खिलाफ वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा घटिया है। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जो भारत को दर्द दिया था, उस दर्द को आज तक कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं पाया है। उस दिन धोनी के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान रोया था, रोहित अपना आंसू छुपाते हुए दिखाई दिए थे। सेमीफाइनल के ही जंग में 4 साल बाद न्यूजीलैंड से बदला लेने के लिए रोहित शर्मा बदले की आग में अंदर ही अंदर धधक रहे हैं। विराट कोहली भी न्यूजीलैंड को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी कमर पूरी तरह से कस लिए हैं। किंग कोहली का बल्ला इस वर्ल्ड कप में आग उगल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मैच में भी विराट कोहली ने तबाही मचाई थी। अब कोहली की असली अग्नि परीक्षा न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के जंग में होने वाली है। सेमीफाइनल में अगर न्यूजीलैंड को भारतीय टीम हराना चाहती है तो फुटबॉल जैसे स्कोर से बचना होगा, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 5 रनों के स्कोर पर ही 3 विकेट गिर गए थे। लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से बदला लेना है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा से एक अच्छी पारी की शुरुआत होगी, तो वहीं पर विराट कोहली से भी एक और शतक की उम्मीद होगी सेमीफाइनल के मुकाबले में। खैर दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल के जंग में न्यूजीलैंड को परास्त कर पाए कि क्या भारतीय टीम 4 साल मिले पुराने जख्म का बदला ले पाएगी न्यूजीलैंड की टीम से? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आप सबको क्या लगता है, भारत का वह कौन सा खिलाड़ी होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है? आप लोग उस पर भी कमेंट जरूर करिएगा।